नमस्कार, मैं हूं देवांशली मोइत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग अंदाज और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो भी जब भी किसी से मिलते हैं तो रिश्तों को लेकर उनकी गर्मजोशी साफ दिखाई देती है। कभी अपने करीबी नेताओं को गले लगा लेते हैं तो बच्चों के बीच जाकर बच्चे बन जाते हैं। पीएम मोदी जब गरजते हैं तो विपक्ष की धज्जियां उड़ा देते हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनका उत्साह दोगुना कर देते हैं। लेकिन शुक्रवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान बड़ी मजेदार तस्वीर देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक बीजेपी कार्यकर्ता के कान खींचते हुए दिखाई दिए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब पीएम मोदी बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी नजर बाला नाम के एक कार्यकर्ता पर पड़ी। इस कार्यकर्ता को देखते ही मोदी ने उसके कान खींच दिए और कहा, अरे बाला, तेरी किताब नहीं मिली यार, कैसी किताब लेकर आया? पीएम मोदी ने बाला नाम के इस शख्स से उसकी किताब को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद उसके कान खींच दिए। हालांकि ये पहली बार है जब पीएम मोदी इस तरह से पार्टी कार्यकर्ता के कान खींचते हुए दिखाई दिए हैं। इससे पहले अक्सर बच्चों के साथ उनकी ऐसी तस्वीरें देखी गई थी, चाहे वो फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के बेटे आरव के कान खींचने वाली ये तस्वीर हो या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बेटी के साथ उनकी ये तस्वीर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से अपने प्यार को दर्शाते हैं।